तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने फादर को मारने के जुर्म में जेल में चली जाती है, लेकिन वहाँ पर हर कोई इसका फायदा उठाता है और उसके साथ गपागप करता है। अब ये लड़की इस गपागप वाले जेल से कैसे बाहर निकलती है ये हम इस मूवी में देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक कैना नाम की लड़की को देखते हैं। वो अपने रूम में बैठकर गिटार बजा रही थी, तभी वहाँ पर उसके स्टेप फादर आते हैं और एना को एक जोरदार थप्पड़ चिपका देते हैं और इसके बाद वो एना के साथ गपागप करने की कोशिश करते हैं। यहाँ एना खुद को बचाने के लिए अपने डैड को धक्का मारती है तो उसके डैड जाकर एक नोखीली चीज से टकराते हैं तो उनका गला कट जाता है और वो वहीं पर मर जाते हैं। तो पुलिस एना को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद कोर्ट में एना खुद को बेगुनाह साबित करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार जाती है और उसे 4 साल की सजा सुना दी जाती है। इसके बाद एना को जेल में भेज दिया जाता है, जहाँ पर हम जेल के वार्डन फ्रैंक को देखते हैं। वो इन सब लड़कियों को कहता है कि तुम्हें यहाँ के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, यानी खपा वाली सजा मिलेगी। इसके बाद एना अपने रूम में जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात जिमी नाम की लड़की से होती है। जिमी यहाँ पर 5 सालों से रह रही है और वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन वो एना को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। अगले दिन जब एना काम कर रही होती है तभी उसके पास कॉर्डी नाम की एक लड़की आती है जो कि व्हाइट ग्रुप की लीडर थी। वो एना से कहती है कि तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, लेकिन एना मना कर देती है क्योंकि वो अकेली रहना चाहती थी। पर कॉर्डी कहती है कि ऐसा यहाँ पर नहीं चलेगा, अगर तुम अकेली रहोगी तो बाकी के कैदी तुम्हारी इतनी मारेंगे कि तुम्हारे होल को ब्लैक होल बना देंगे। पर एना उसकी बात नहीं सुनती। इसके बाद जब एना एक बार सफाई कर रही थी तभी वहाँ कॉर्डी और उसका ग्रुप आ जाता है और वो सारी लड़कियाँ मिलकर एना को बहुत मारती है क्योंकि एना ने कॉर्डी की बात नहीं मानी थी। इसके बाद एना कॉर्डी की शिकायत करने के लिए फ्रैंक के पास जाती है, पर फ्रैंक उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर बदले में तुम्हें मुझे भी कुछ देना होगा। और ये कहकर वो एना को टच करने लगता है तो एना भी समझ जाती है कि फ्रैंक का प्रैंक तो बहुत भारी पड़ने वाला है। तो वो यहाँ से चली जाती है और अपने रूम में जाकर रोने लगती है। तो जिमी उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर ये सब की आदत डालनी होगी, और ये कहकर वो एना के करीब आने लगती है, फिर उसके साथ लवला पाटा करती है और एना को भी ये सब पसंद आता है। इसके बाद ये दोनों घपाघप करती है। अगले दिन जब एना काम कर रही थी तभी वहाँ पर ब्लैक ग्रुप की लड़की आती है और वो एना को परेशान करने लगती है। तो एना भी समझ जाती है कि अगर उसे यहाँ पर सेफ रहना है तो उसे किसी एक ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो वो कॉर्डी के पास जाकर व्हाइट ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। आगे कॉर्डी एना को अपने रूम में लेकर जाती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें इस ग्रुप में रहना है तो तुम्हें मारपीट करना सीखना होगा, क्योंकि कमजोर लोगों की इस ग्रुप में कोई जगह नहीं है। अगले दिन एना जाकर ब्लैक ग्रुप की एक लड़की को मारती है तो तभी वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। एना ने जेल का रूल तोड़ा था, इसीलिए अब उसे सजा मिलने वाली थी। यहाँ एना का सब कुछ उतार कर उसे एक फ्रीजर रूम में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड थी। अगले दिन एना को फ्रैंक के पास ले जाया जाता है तो फ्रैंक उससे कहता है कि अगर तुम्हें ऐसी सजाओं से बचना है तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा, और इस बार एना भी मान जाती है और फ्रैंक उसके मुंह में छतरी डालकर खोल देता है। एना अब यहाँ पर जीना सीख गई थी। आगे वो कॉर्डी के साथ मिलकर पाउडर लेती है और फिर एना और कॉर्डी दबाकर रगड़ा लगाती है और खूब इंजॉय करती है। अगले दिन ब्लैक ग्रुप की लड़की एना से बदला लेने के लिए आती है, जिसे एना ने मारा था। यहाँ दोनों ग्रुप के दरमियान फाइट हो जाती है। इस फाइट का जिम्मेदार फ्रैंक एना को ठहराता है क्योंकि वो उसके साथ गपागप करना चाहता था, और फिर वो एना को सजा के तौर पर झुकने को बोलता है और उसकी पिटिया दबा कर लेता है। फिर उसकी छोटी सी दुकान को हाथी का कुंड बना देता है और फिर एना से कहता है कि इसके बाद अगर तुम्हारी कंप्लेन आई तो मैं तुम्हारे साथ रगड़ा लगाने के अलावा तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर भी करूंगा। एना इससे बहुत ज्यादा तंग आ गई थी और फिर वो बहुत ही ज्यादा पाउडर लेने लगती है, लेकिन ज्यादा पाउडर लेने से कॉर्डी एना को मना करती है तो एना उसकी बात नहीं मानती, जिस वजह से कॉर्डी गुस्सा होकर एना को अपने ग्रुप से निकाल देती है। और ब्लैक ग्रुप को जब पता चलता है कि एना अब अकेली हो गई है, व्हाइट ग्रुप ने उसे निकाल दिया है, तो वो उसे बदला लेने के लिए आती है और एना की गंदी वाली पिटाई करती है। अब एना फुल बेवड़ी बन गई थी। फिर उसकी मुलाकात तो ऐसी लड़की से होती है जो पूरे दिन पाउडर लेती थी, तो उनके साथ मिलकर एना पाउडर की मार लगा देती है। एक दिन जिमी उसे समझाने की कोशिश करती है पर एना उसकी बात को इग्नोर करती है और गुस्से में एना जाकर ब्लैक ग्रुप से लड़ने लगती है। यहाँ पर इन सभी की फाइट हो जाती है और इस फाइट का इल्जाम भी एना पर ही आता है और उसे फिर से फ्रीजर रूम में ही रखा जाता है, लेकिन फ्रैंक उस पर तरस खाकर इस बार उसे फ्रीजर रूम से बाहर निकलवा देता है। पर बाहर जाकर एना फिर से पाउडर लेने लगती है, लेकिन इस बार एना को कॉर्डी देख लेती है और वो उसे समझाने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और उनके साथ फ्रैंक भी था। यहाँ पर एना खुद को मारने की कोशिश करती है पर एक गार्ड उसे रोक लेता है और एना को फिर से फ्रीजर रूम में बंद कर दिया जाता है। अब एना पाउडर के बगैर नहीं रह सकती थी और पाउडर ना मिलने की वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है, और जब उसे खाना दिया जाता है तो वो खाने की प्लेट तोड़कर कुछ ऐसा कर लेती है और एक गार्ड उसे देख लेता है और उसको बचा लेता है। एना को अब कई दिनों तक मेडिकल रूम में रखा जाता है, जहाँ पर जैसी नाम की एक नर्स एना का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। फिर ठीक होने के बाद एना वापस अपने रूम में जाती है और अपने शोल्डर पे बने व्हाइट ग्रुप के टैटू को मिटा देती है। कॉर्डी को जब ये बात पता चलती है तो वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो
जाती है और एना के फेस पर कट लगा देती है। आगे एना जब मेडिकल रूम में थी तो फ्रैंक उससे मिलने आता है, जहाँ पर वो एना को गंदे तरीके से टच करने लगता है। जेजी भी ये सब देख लेती है और फ्रैंक के जाने के बाद वो एना से फ्रैंक के बारे में पूछती है, तो एना उसे सब कुछ बता देती है। और ये सुनने के बाद जेजी फ्रैंक के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। फ्रैंक को इस बात पर गुस्सा आ जाता है तो वो जेजी पर अटैक करवा कर उसे मरवा देता है। एना जब जेजी की बॉडी देखती है तो उसे बहुत दुख होता है। अगले दिन फ्रैंक एना के साथ फिर से घमंड करता है। एना फ्रैंक से परेशान हो गई थी, इसीलिए वह हेल्प मांगने के लिए कॉडी के पास जाती है और कॉडी को फ्रैंक के बारे में बताती है। तो कॉडी उसे एक फोन देती है और कहती है कि जब फ्रैंक तुम्हारे साथ गपागप करेगा तो उसके रगड़े इस फोन में रिकॉर्ड कर लेना। इसके बाद जब फ्रैंक एना के साथ गपागप करता है तो एना वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। फिर जब सीनियर ऑफिसर्स की टीम जब जेल में आती है तो एना उन्हें फ्रैंक की वीडियो दिखाती है जिसमें फ्रैंक एना के साथ गपागप कर रहा था। इसके बाद फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया जाता है और एना से सीनियर ऑफिसर्स माफी मांगते हैं। फिर वो लोग एना की सजा खत्म कर देते हैं और एना को जेल से रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद एना अपनी मॉम से मिलती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।